हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ रोज़ पेड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो एकदम इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाते हैं। देखने में जितने सुंदर, खाने में उतने टेस्टी होते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आधा लीटर दूध ले लिया है। इसमें हम 2 कटोरी मिल्क पाउडर डालेंगे। थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसे मिक्स करते जाएंगे। अब इसमें मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं 3 चम्मच चीनी डाल दूंगी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच इसमें रोज़ वाटर डाल दूंगी, ये ऑप्शनल है। 4 चम्मच मैं इसमें रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ। आप चाहे तो रोज़ सिरप भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। इसमें मैं थोड़ा सा पिंक फूड कलर डाल रही हूँ, ताकि इसका कलर और भी अच्छा आ जाए। अब इसमें हम 3 चम्मच देसी घी डाल देंगे। अब सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। मिक्सचर को मिक्स करने के बाद इसे हम गैस पर पकाएंगे। अब इसे हम एकदम थिक कंसिस्टेंसी होने तक अच्छे से पका लेंगे। दूध में उबाल आने के बाद इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। ये देखिए, मिक्सचर थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो गया है। सारा मिक्सचर कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। ये मिक्सचर रेडी हो गए। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम एक प्लेट को घी से ग्रीस कर देंगे। मिक्सचर को हमने प्लेट पे ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब मिक्सचर ठंडा हो गया है। हाथ को हम थोड़ा घी से ग्रीस कर लेंगे, फिर हम पेड़े बनाएंगे। इसे हम पिस्ता से गार्निश कर देंगे। ये पेड़ा एकदम तैयार है। इसी तरह से हम बाकी भी बना लेंगे। ये हमारे सारे रोज़ पेड़ा बनकर एकदम तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।